श्रीमत्यै गोदायै नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीरंगरामानुज महादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीवराह महादेशिकाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पाराथ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्फोचिष्टायां सजिनिघलितं याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदातस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। नमः सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यो नमो नमः। भाग्यवन्तः श्रीवैष्णवाः, यतो हि विद्यमानैः प्रमाणान्तरैः सह भक्तिरसगर्भितनालायुधदिव्यप्रबन्धं चतुस्सहस्रदिव्यप्रबन्धाः अपि विद्यन्ते तेषां। किञ्चिदपि भगवतः ज्ञानं यस्य अस्ति, भगवतः भक्तिर् ईशा यस्मिन् वर्तते, यस्यां वर्तते, यदि प्रयत्नः ईषत् क्रियेत दिव्यप्रबन्धान् पठितुम् अनुभवितुं, तर्हि ते एतान् प्रबन्धान् विहाय परित्यज्य न कुत्रापि प्रयत्नं कुर्वन्ति। अत्र ये भावाः सन्ति भोक्तुम् अस्माभिः, ते नैव शक्यं वर्णयितुं मातुम्। अत एव दिव्यप्रबन्धाः महाभाग्यात् महाभाग्यात् लब्धाः इति हि मन्तव्याः। एकैकस्यापि प्रबन्धस्य प्रामाण्यं वर्तते, अपि च महिमा अधिकतया भासते। तथापि तिरुपाविप्रबन्धस्य यावान् महिमा वर्तते सः श्लाघनीयः। त्रिंशत्पद्यात्मकप्रबन्धेऽस्मिन् अष्टमपद्यपर्यन्तं वयम् अनुभूतवन्तः। इदानीं नवमपद्यस्य अर्थं शृणुमः। तूमनि माडत् इति हि आरभ्यते। षष्ट सप्त सप्तम अष्टमपद्यैः तिस्रः बालिकाः प्रबुद्धाः आसन् गोपकन्याभिः। इदानीम् अनेन पद्येन काचन बालिका प्रबोध्यते, या स्वगृहे एव प्रतीक्षमाणा अस्ति कृष्णं। सा एवं मन्यते, कृष्णः स्वयं तत्र आगत्य तया सह खेलनादिन् करोति, करिष्यति इति एवं मत्वा गृहे एव तिष्ठति। सर्वविध अलङ्कारादीन् कृत्वा तस्याः शय्यायामेव प्रतीक्षमाणा वर्तते। कृष्णः तत्र आगच्छेत्, अहं कुतः तस्य समीपे गच्छामि इति हि तस्याः भावः। यदि तस्मै अपि अहं रोचते, तर्हि
सः तत्र आयातु, सः तत्र आगच्छतु, तावत्कालम् अहम् अत्रैव तिष्ठामि इति भावः. एवं वक्तुं शक्यं वा? साधुवा साधुर्वा एषा उक्तिः इति पृच्छामश्चेत् श्रीमद् रामायणे अपि ईदृशी उक्तिः श्रूयते. सीतादेवी स्वयमपि अशक्नोत् लङ्कां लङ्कायाः निर्गत्य चित्रकूटं वा तत्र रामस्य स्थलं प्राप्तं, तथापि सा एवम् उक्तवती, रामः अत्र आगत्य मां नयतु, तदेव शोभनम् इति. तद्वत् अत्रापि गोपकन्या तमेव भावं स्वीकृत्य प्रतीक्षमाना वर्तते. अस्तु, इदानीं पद्यं श्रावयामि. தூமணிமாடத்து சுற்றும் வழக்கறிய தூபங்கமக துயிரினமேல் கண்வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவம் தாழ் திறவாய் மாமீரவளை எழுப்பீரோ உன் மகள்தான் ஊமையோ அன்று செவிடோ அனந்தலோ ஏமப்பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தனென்றென்று நாமம் பலவம் நவின்றேலோ ரெம்பாவாய். தூமணிமாடத்து சுற்றும் வழக்கறிய தூபங்கமக துயிலனமேல் கண்வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவம் தாழ் திறவாய் மாமீரவளை எழுப்பீரோ உன் மகள்தான் ஊமையோ அன்று செவிடோ அனந்தலோ ஏமப்பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று நாமம் பலவும் நவீன்றேலோ ரெம்பாவை. மாமான் மகளே மணிக்கதவம் தாழ் திறவாய், துவாரம் உத்காட்டைய. மாமான் மகளே மாதுலசிய புத்ரி இது சம்பந்தம் அதிகரித்து ஆஹ்வயந்தி பாலிகாக கோபகன்யாக மாதுலசிய புத்ரி இது மாமான் மகளே விசேஷத்தக சம்பந்தம் உத்திஷ்ய ஆஹ்வானம் குர்வந்தி. சா கதா கதம் வர்த்ததே? சா தூமணி மாடத்து சுற்றும் வழக்கறிய தூபங் கமக துயிலனமேல் கண் வளரும், கண் வளரும் இத்தியுக்தே சா சயனம் குர்வானா அஸ்தி, சயனம் கரோதி அந்தஹ. குத்ர துயிலனமேல் ஷய்யா வர்த்ததே, தஸ்ய உபரி சயனஸ்ய கதே யாஹ சாமக்ரேஹ வர்த்ததே தாஹ சர்வா அபி தத்ர வர்த்தந்தே, தாபிஸ் சக சா சா சயனம் கரோதி. அபிச்ச தூபம் கமக சுகந்தோபி தத்ர ஆயாதி, சுகந்தோபி தத்ர ஆயாதி. சுகந்த தாவத் ஆயாது ஆகச்சது பவது, கிந்து தூமணி வாடத்து சுற்றும் விளக்கரிய. இதானிம் கிமர்த்தம் தீபாக தத்ர வர்த்தந்தே? சுற்றும் வழக்கரிய, சர்வதஹ சர்வதஹ தீபாஹ பிரகாஷேன வர்த்தந்தே, பிரகாஷை சக வர்த்தந்தே தீபாஹ. கதம் தத்? தர்ஹி தூமணி மாடத், தூமணி இத்துக்கு மாணிக்ய அஷ்மானி அதுவா ரத்னானி, தைஹி நிர்மிதானி பவதி தஸ்யாஹ பிரகோஷ்டஹ. மாடம் இத்யுக்தே சயன பிரதேசஹ விசேஷ, சயன பிரதேச விசேஷஹ. தத்ர ஹி ஷய்யா அலங்கிருதா வர்த்ததே ரத்ன கண்டை. யதி ஏக ஏவ தீப ஸ்யாத் தஸ்மாத் यः प्रकाशः निर्गच्छति सः रत्नखण्डेषु प्रतिबिम्बितं वर्तते,
तस्यैव प्रतिबिम्बानि अन्ये सर्वाण्यपि इति भवितुमर्हति। अथवा सर्वत्र एव दीपाः वर्तन्ते इत्यपि वक्तुं शक्यते। तर्हि सन्देहः कश्चन उदेति, यदि तस्याः शयनमेव प्राधान्यं कर्म तर्हि किमर्थं तत्र दीपाः वर्तन्ते, गन्धः वर्तन्ते इति चेत् तर्हि ते अनुमानं कुर्वन्ति, ताः अनुमानं कुर्वन्ति कृष्णस्य प्रतीक्षां कृत्वा एव सा शय्यायाम् इदानीं तिष्ठति न स्वपिति इति। एवम् उक्त्वापि समाधानं किमपि न आयाति अन्तः। अत एव स्वपन्त्याः मातरम् आह्वयन्ति, मामीर् अवल एपिरो, मामीर् इत्युक्ते मातुलस्य पत्नी, आदरेण मामीर् इति आह्वयन्ति। कृपया भवत्याः पुत्रीं प्रबोधयतु इति, मामीर् अवल एपिरो। तर्हि सा किल उच्येत, भवत्यः एव तस्याः जागरणं कुर्वन्तु, किमर्थं माम् आह्वयन्ति इति चेत् ताः प्रतिवदनं ददति, उन्महल्दान् ऊमयो अन्विक्षविडो, किं भवत्याः पुत्री न वक्तुं शक्नोति, मूका वा अथवा बधिरा वा, कियत्कालपर्यन्तं वयम् अत्र एव तिष्ठन्त्यः तामेव आह्वयन्त्यः स्मः, तन्नैव श्रुतवती वा अथवा तस्य वक्तुम् इदानीं शक्तिर्नास्ति वा। अनन्तलो इत्युक्ते मदः इति वक्तुं शक्यते, अहङ्कारेण सा पीडिता सन्ति सति, अन्तः एव न उत्तरम् अथवा समाधानम् अप्रदाय तिष्ठति इति भावः अनन्तलो। अथवा एवमपि स्यात्, एमपेरुन्दुयिल् मन्दिरपट्टालो सन्ति खलु मन्त्रयुक्तानि किमपि मन्त्रं वा तन्त्रं वा यन्त्रैः सह कृत्वा लोकान् निद्रायां स्थापयितुं शक्यते, तद्वत् कुत्रापि मन्त्रेण सा पीडिता सति गाढनिद्रायां भवति वा। एमपेरुन्दुयिल् मन्दिरपट्टालो इति मन्त्रवादिनः सन्ति खलु, तेषां शक्तिर्वर्तते विद्यते येन यया ते अन्यान् पीडयन्ति, तद्वत् किं सापि केनापि प्रभावेन पीडिता वा इति। मामायन् माधवन् वैकुन्दन् एन्रन्ड्रु नामं पलवं नवीन्द्रेरो रम्भावाय्, अस्माभिः सह सज्जीभूत्वा बहिरागत्य माधव वैकुण्ठ मामाया सकलु मायावि, कृष्णः एव मायावि, मायन् मामायन् मायन् इति शब्दस्य व्याख्यानं बहु वर्तते। भगवतः आश्चर्यचेष्टाः याः वर्तन्ते तान् अस्माकं वर्णने नैव अन्तर्भवति भवन्ति, यतो वाचो निवर्तन्ते इति हि श्रुतिरपि वदति। आश्चर्यशक्तिर्हि प्रकृतिः माया तस्य, तादृशीं आश्चर्यप्रकृतिं स्वस्य अधीने स्थापयन् सखलु बहुविध
चेष्टानि चेष्टाः बहुविध चेष्टाः करोति इति अतएव सः मामायन् द्रविडभाषायां मायन् मामायन् आश्चर्य चेष्टावान् इति मामायन् माधवन् माधव शब्दः अपि बहु रम्यम् अपि च प्राधान्येन वर्तते माधव इति शब्दः माधवन् एन्ड्रु ओदवल्लीरे इति षडकोप मुनयः वदन्ति अतः तं च मामायन् वैकुण्ठं माधवं तस्य नामसङ्कीर्तनं वयं कुर्मः पाडि मामायन् वैकुण्ठन् मामायन् माधवन् वैकुण्ठन् एन्ड्रेन्ड्रु नामं फलवं नवीन्द्रेलो तस्य नामानि एव वयं स्वीकुर्मः नामानि एव वयं वदामः பத்துடை அடியவர் கழியவன் பிறர்களுக்கரிய வித்தகன் மலர்மகள் விரும்பும் நம் அரும்பெறல் அடிகள் மத்துரு கடைவண்ணை களவினில் உறவிடை ஆப்புண்டு எத்திரம் உரலினோடு இணைந்திருந்தேங்கி எழிவே மாமாஜன் இது சப்தேன பகவத சௌலபியமபி சூச்சியதே தச்ச சௌலபியம் ஸ்மிருத்வா மூர்ச்சாம் பிராப்தவந்த ஷடகோப மகாமுனிய பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன் பகவான் பகு சுலபா கேஷாம் பக்தானாம் பிறர்களுக்கு அரிய வித்தகன் அந்நேஷாம் கிருத்தே பகு துர்லபா கதம் ஞாயத்தே கிருஷ்ணாவதாரே யசோதாயாக பிரேம்னா பத்தக ஆசீத் உலூகலே தஸ்ய பந்தனம் கிருத்தவதி யசோதா சக்தியாவா நெய்வ भक्त्या कृतवती तच्च सौलभ्यं स्मृत्वा तं स्तोतुं प्रावर्तत षटकोप महामुनयः किन्तु मूर्छां प्राप्तवन्तः अहो एवं वा तव सौलभ्यम् इति तं च भगवन्तं वयमपि स्तुवाम इति स्तोत्रं कुर्मः इति इति हेतोः ताम् आह्वयन्ति बालिकाः महिमा तावान् वर्तते भगवतः अस्तु स्वापदेशविषये माडम् इति यत् जगत् यत् स्थलम् उच्यते तस्मात् अथवा तत्र स्थित्वा सर्वानपि विषयान् द्रष्टुं भोक्तुं शक्नुमः जीवात्मा यत्र वर्तते तत्र सन्नेव सः सर्वं भोक्तुं शक्तवान् इति भावः स एव ज्ञानप्रकाशः जीवात्मा ज्ञानप्रकाशः अत्रैव स्थित्वा अस्मिन् शरीरे एव स्थित्वा वयं भगवन्तं भोक्तुं शक्नुमः अन्तर्यामिरूपेण स खलु वर्तते अस्माभिः मनः अपि मनः दत्तं भवति येन अत्र अत्र अत्रैव सन् वयं सर्वं भोक्तुं शक्नुमः तथापि किञ्चन द्वारं तत्र वर्तते तद्द्वारस्य उद्घाटनं कृत्वा एव वयम् एतत् सर्वं कर्तुं शक्नुमः आचार्येभ्यः उपदेशं सम्यक् प्राप्य तत्रस्थद्वारम् उद्घाटयामश्चेत् वयं भगवन्तम् अत्रैव अनुभवितुम् अर्हामः अत्र भागवताः श्रीवैष्णवाः मूकाः स्युः बधिराः स्युः किमर्थं किञ्चित् अन्यं प्रति दुर्वचः वदामः यदि वक्तव्यं भवति तर्हि मूकाः भवामः यदि केनापि उच्यते दुर्वचः भागवतानां विषये तर्हि बधिराः वयं भवेम क्योंकि भागवत दोषाः अस्माकं लक्ष्यः न वर्तन्ते
अतएव ये सिबिडो अनंतलो ऊमयो एतत्सर्वं जीवात्मनां कृते अथवा भागवतानां श्रीवैष्णवानां कृते एवं मन्यते। अस्तु, एतावत्पर्यन्तं तूमनि माडत्ते इति पद्यस्य अर्थं वयम् अनुभूतवन्तः। इतः परं नोटृच्छुवर्कम् इति आरभ्यमानं दशमपद्यम् अनुभविष्यामः। श्रीमत्यै गोदायै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। धन्यवादः।